दोस्तों, आपने स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है तो देखा ही होगा। उसमें नायरा के किरदार से मशहूर हो चुकी शिवांगी जोशी ने नायरा के किरदार से इतनी सुर्खियां बटोरी कि आज भी ये दर्शकों के दिलों पर राज करती है, जिसके चलते आज ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक बन चुकी हैं, जो सीरियल के एक एपिसोड में काम करने के भी लाखों करोड़ों रूपए चार्ज करती है। और यही वजह है कि आज इनकी नेटवर्थ ऊंचाइयां छू रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवांगी जोशी की नेटवर्थ कितनी है और वो एक एपिसोड के कितने रुपए चार्ज करती हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही अपनी फेवरेट अभिनेत्री शिवांगी जोशी के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का किरदार निभाकर मशहूर हो चुकी अभिनेत्री शिवांगी जोशी आज अपनी क्यूट अदाओं और एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं। बता दें कि शिवांगी जोशी यूं ही नहीं इस सीरियल में आकर इतनी मशहूर हुई, बल्कि इन्होंने अपने करियर में काफी मेहनत की है। और शिवांगी जोशी न सिर्फ एक्टिंग में बल्कि अपने डांस में भी काफी माहिर है। इन्होंने स्कूली टाइम पर कथक डांस क्लासेस ली है और वो भी बेहद शानदार डांस करती है, जिसकी वजह से इन्होंने काफी पुरस्कार भी जीते हैं। देहरादून में रहने वाली शिवांगी जोशी ने साल 2013 में टीवी सीरियल खेलती है जिंदगी आंख मिचोली से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। शिवांगी को सीरियल बेइंतहा में भी देखा गया था, जहां इन्होंने आयत का किरदार निभाया था। इसके बाद वो सीरियल बेगूसराय में भी नजर आई और इस सीरियल में इन्होंने पूनम ठाकुर का रोल निभाया था, जिसके बाद साल 2016 में ये स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा के किरदार में नजर आई और इस किरदार से इन्होंने अपनी असली पहचान बनाई। यही वो किरदार है जिससे दर्शक इन्हें आज तक अपने दिलों में बसाए हुए हैं। और इसी तरह से ये सीरियल बालिका वधू 2 में भी आनंदी का किरदार निभाती हुई नजर आई और अब ये बहुत जल्द ही खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में भी नजर आने वाली है। और इस शो के लिए भी इन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है, क्योंकि ये इस शो की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है। मेकर्स इन्हें खतरों के खिलाड़ी में जरूर लेना चाहते हैं। बता दे कि इनकी एक्टिंग को देखते हुए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स भी इन्हें एक एपिसोड के 40,000 रुपए देते थे और महीने में वो 24 से 25 दिन काम करती थी और इस हिसाब से वो महीने में 9.5 से 10 लाख रुपए कमाती हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो शिवांगी जोशी की टोटल नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए हो चुकी है, जिसकी वजह से आज ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी है और इस नेटवर्थ से काफी ऐसो आराम की जिंदगी जीती हैं। वेल दोस्तों, आप अभिनेत्री शिवांगी जोशी की नेटवर्थ और पर एपिसोड फीस के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।